दोस्तों आइको ने रिलीज कर दिया है अपने इस मिड रेंज में बहुत ही कमाल का फोन, जिसमें आपको आइको 12 वाले फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और अभी तक अगर आप नहीं समझ पाए तो ये Z9 सीरीज का फोन है दोस्तों, जिसमें आपको डायमेंसिटी 7200 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है, एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, 5000 mAh का मासिव बैटरी देखने को मिल जाता है 50 MP के बैक कैमरा के साथ। आउट ऑफ द बॉक्स ये एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और साथ में ये लेकर आता है 75 से ज्यादा ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स, जिसको जानने के बाद आप अपने आइको मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे। ये हमेशा की तरह आप जानते हैं कि गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो जैसे ही आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको दो खतरनाक टाइप का ऐप देखने को मिल जाता है, जो आपका बैटरी भी खाता है और आपका बहुत ही अननेसेसरी डेटा वेस्ट करता है, जो हॉट ऐप्स है और हॉट गेम्स है। पहला काम तो आप यही कीजिए कि इसको उड़ा दीजिए अपने मोबाइल से, क्योंकि ये कभी भी आपके मोबाइल में भर भर के ऐप्स और गेम्स यानी ब्लोटवेयर्स को भर सकता है। तो आपको लॉन्ग टैप करके रखना है किसी को भी। इसके सेटिंग्स में जाना है और जैसे ही सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं क्रिएट हॉट गेम्स ऑन होम स्क्रीन, इसको आपको डिसेबल कर देना है। क्रिएट हॉट ऐप्स ऑन होम स्क्रीन, इसको भी डिसेबल कर देना। और जैसे ही आप इन दोनों को डिसेबल कर देंगे, अब आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऐप ड्रॉअर में ये हॉट गेम्स और हॉट ऐप्स का जो ऐप है वो गायब हो चुका है। और इसी के साथ साथ एक एहसान आप और कीजिए इस मोबाइल पे, ये जो ब्राउजर ऐप है इसको आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, क्योंकि भर भर की आपको नोटिफिकेशन देता है दोस्तों। ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, बस यहाँ से इसको आपको डिसेबल कर देना है। और ठीक इस तरह से आपको इसमें एक वी ऐप स्टोर भी देखने को मिलता है, यहाँ पर इसमें भी आपको जाना है लॉन्ग टैप करके ऐप इन्फो में, और इसके भी नोटिफिकेशन को आपको बस डिसेबल कर देना है, ताकि आपको भर भर के नोटिफिकेशन ब्लॉटवेयर का इंफॉर्मेशन ना मिले और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। दोस्तों मुझे भर भर के मैसेज आता है कि इस मोबाइल में जो कॉलर ऐप है उसमें कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड वाली जो आंटी है वो बोलती है कि नहीं बोलती है। तो इस फोन में तो नहीं बोलती है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसका नेटिव डायलर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं कोई भी अनाउंसमेंट ना हो तो आपको इस कॉल ऐप में जाना है, 3 डॉट्स के मेन्यू में जाना है, कॉल सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से कॉल ऑल रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आपको कर देना है, ऑब्वियसली आपको एग्री कर लेना, और एक बार आप अग्री कर लेंगे तो फटाक से आपका कॉल जो है सारा रिकॉर्ड होगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो एक कमाल का चीज आपको स्पीड डायल देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपको नंबर याद रखने का जरूरत नहीं है तो झंझट नहीं करना है नंबर याद रखने का, तो आप स्पीड डायल कर सकते हैं, यानी 2 में आप अपने गर्लफ्रेंड का रख सकते हैं, 3 में वाइफ नहीं, या तो वाइफ का रखिए तो गर्लफ्रेंड का रखिए, 4 में आप डैड मॉम, 5 में किसी का भी रख सकते हैं, सिस्टर है ब्रदर है, ताकि आपको याद ना करना पड़े कोई भी नंबर, बस 2 दबाइए डायल कीजिए और देखिए वो नंबर फटाक से लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन सेटिंग की तरफ। तो आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे इसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत ही कमाल का डायनेमिक इफेक्ट देखने को मिल जाता है, भर भर के आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं टच एनिमेशन है, यानी कि जहां भी आप टच करेंगे अपने स्क्रीन को तो इस तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसको टच करके अप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे बस आपको कंटिन्यू कर देना है, थोड़ा बैटरी तो ये खाएगा दोस्तों, मगर देखिए जैसे ही टच करेंगे तो आप देखिए कितना बढ़िया ये आपको एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे एम्बिएंट लाइट इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले दोनों में आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है इस तरह से। तो अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डायनेमिक इफेक्ट दिखेगा नोटिफिकेशन के लिए, जब भी स्क्रीन आपका ऑफ होगा, और स्क्रीन ऑन हो उसमें भी आप डायनेमिक इफेक्ट चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, और आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में ये जो एम्बिएंट लाइट का इफेक्ट हो आए तो यहाँ पर कस्टम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इनकमिंग कॉल के लिए आप चाहते हैं ताकि इनकमिंग कॉल आए तो डायनेमिक इफेक्ट आप देखने को मिले तो लाइट इफेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, बस यहाँ से आपको सेटिंग कर लेना है, और देखिए किस तरह का इफेक्ट देखेगा तो आप इस तरह का देख सकते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना बढ़िया ग्लो करता है ये, और बताता है कि डायनेमिक इफेक्ट जो है वो बिल्कुल अप्लाई हो चुका है आपके मोबाइल में। मेरे को तो सबसे अच्छा ये लगता है दोस्तों, क्योंकि इसमें मल्टीपल कलर होता है, और साथ में इसमें आपको विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा विड्थ चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, देखिए ज्यादा विड्थ आपके लाइट में आएगा आपके पैनल में। ठीक इसके बाद नोटिफिकेशन में भी आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन देखने को मिल जाता है, यानी होम स्क्रीन पर कब आएगा आपका मोबाइल, जब भी आप लॉक स्क्रीन से आएंगे तो इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इस तरह का भी इफेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह का भी इफेक्ट कर सकते हैं, जो भी करना है बस करके अप्लाई कर दीजिए। और बैक जाते हैं आप देखेंगे फिर आपको एक एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जब आप होम स्क्रीन में एंटर करने वाले होते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देखिए इस तरह का एनिमेशन होता है, आप इस तरह का कर सकते हैं, आप इस तरह का कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमेशन है जो आपको मिल जाता है, जो अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हैं, बस अप्लाई करके अगेन बैक जाना है। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट आइकॉन के भी एनिमेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे तो ऑब्वियसली आपको इतना सारा एनिमेशन देखने को मिलता है, जो एनिमेशन आपको अच्छा लगता है बस
यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन का भी एनिमेशन देखने को मिलता है, यानी कि जब फिंगरप्रिंट आप अप्लाई करते हैं तब एनिमेशन कैसा होगा, तो इस तरह का एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, बहुत एनिमेशन है, जो भी आपको अच्छा लगता है बस आप करके अप्लाई कर दीजिए हमेशा की तरह और बैक चले जाइए। अब फेस आईडी आपने इनेबल किया हुआ है तो फेस रिकॉग्नाइज करेगा, तो फेस ही दे दीजिए जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, बस अप्लाई कर देना है हमेशा की तरह, बैक चले जाना है। इसके बाद चार्जिंग एनिमेशन भी है दोस्तों, जैसे ही आप चार्जिंग के लिए अपना सी टाइप का केबल इसमें लगाते हैं तो आपको चार्जिंग एनिमेशन क्या दिखाता है, तो इस तरह का एनिमेशन दिखाता है। आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है ऑब्वियसली अप्लाई कर देंगे। और चार्जिंग में एक कमाल का चीज है कि यूएसबी में जैसे ही आप अपना सी टाइप का केबल लगाते हैं तो उसमें भी आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। आप इस तरह का एनिमेशन नीचे में आपको बॉटम में देखने को मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, जो भी आप चाहें करके अप्लाई कर सकते हैं, बस अप्लाई करके बैक चले जाइए। उसके बाद आपको स्क्रीन ऑन ऑफ का भी एनिमेशन देखने को मिलता है। स्क्रीन ऑन ऑफ का मतलब क्या होगा कि स्क्रीन जैसे ही ऑन होगा तो कैसा दिखेगा, तो इस तरह का दिखेगा, आप देख सकते हैं फेड करता हुआ, या फिर इस तरह से दिखेगा राइट से आता हुआ या इस तरह से टॉप से आता हुआ। अब दोस्तों अपने होम स्क्रीन पर है, ऐसे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कुछ ऐसा आ जाता है जो बड़ा अजीब सा है, नीचे कुछ आ गया, ऊपर कुछ आ गया, आप टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, इतना मेरे को कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए मोबाइल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है और कुछ सेटिंग को चेंज करना है। तो सबसे पहला तरीका होम स्क्रीन में सेटिंग में जाने के लिए, होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके रखिए और यहाँ पर होम स्क्रीन के सेटिंग्स में डायरेक्टली जा सकते हैं। और इसमें जो आपको देखना है स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन, इसमें आपको ग्लोबल सर्च है इसलिए इस तरह का सर्च वर्च आ गया था, आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस नोटिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए जादू क्या होगा, आप जैसे ही अपने होम स्क्रीन पर जाएंगे कहीं से भी स्वाइप करेंगे ऊपर से नीचे, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपका ये क्विक टॉगल आता है, उसके बाद आपका सारा नोटिफिकेशन आता है। ये मैंने उल्टा बोल दिया, पहले नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद क्विक टॉगल आएगा। और जब क्विक टॉगल आ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज्ड इतना एमबी डेटा टुडे और टोटल मंथ में आपने इतना एमबी डेटा को यूज किया है, जो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। टैप करके आप अपने डेटा के सारे कंजम्पशन मैनेजमेंट में जा सकते हैं और यहाँ पर डेटा सेवर ऑन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, मोबाइल डेटा है, डेटा यूसेज है, वाईफाई डेटा यूसेज है, सारा एक जगह पर आप देख सकते हैं। होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का आपको दूसरा तरीका बताते हैं, दो उंगली से ऐसे आप स्क्वीज कर लीजिए, होम स्क्रीन चल जाए, देखिए होम स्क्रीन सेटिंग्स में फिर से आ जाते हैं। और होम स्क्रीन में एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए अगर आपको कोई एनिमेशन चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए आप इस तरह जा सकते हैं, आप इस तरह जा सकते हैं, इस तरह जा सकते हैं, तो जो भी एनिमेशन आपको चलता है सेलेक्ट करके बस बैक चले जाइए। अब दोस्तों एक बहुत ही अनवाइंग चीज आपको दिखता है आपके मोबाइल में, आप होम स्क्रीन पे होते हैं, अपने होम स्क्रीन से सही स्वाइप करते हैं राइट में, तो आप देखते हैं कुछ अजीब सा आ जाता है जो अगेन आपको लगता है कि काफी इन्फॉर्मेशन बेकार बेकार दे रहा है, जंक इन्फॉर्मेशन है, बैटरी भी खा रहा है, ऑब्वियसली मोबाइल को गर्म कर रहा है जो आपके मोबाइल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और आपको कहीं दिखता नहीं कि इसको डिसेबल कैसे किया जाए, तो अगेन आपको होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाना होगा। तीसरा तरीका आपको बताते हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स जाने का, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है लॉक स्क्रीन वॉलपेपर का, इसमें आपको होम स्क्रीन का सेटिंग डायरेक्टली जाने को मिल जाता है। और इसमें जैसे ही आप आएंगे तो ये जो डिस्कवर है इसको आपको डिसेबल कर देना है, और जैसे ही आप डिसेबल कर देंगे तो आप देखेंगे आप राइट स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन पर, देखिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ऐसा अनवांटेड चीज नहीं आएगा जो पहले आ रहा था। वैसे पता नहीं आपने गौर किया नहीं किया कि होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आप यहाँ पर वॉलपेपर, कलर एंड स्टाइल, विजेट तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। वरना विजेट का एक और तरीका है, अगर आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो आप देखेंगे ऐप्स के साथ साथ आपको विजेट यहीं पे देखने को मिल जाता है, और तेरे विजेट से दोस्तों जो सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को ये वाला विजेट कमाल का लगता है, बस यहाँ से ले आके आप इसको यहाँ पर ऐसे जाके छोड़ दीजिए, और देखिए ये बोलेगा बस यहाँ पर सिंगल टैप में क्लीन अप करने के लिए बोलेगा, पहले आपको ऑब्वियसली परमिशन दे देना है, और जैसे ही आप परमिशन दे देंगे टैप करेंगे देखिए ये बोलेगा एक्सेलरेटिंग, और एक ही टैप में आपको बता देगा कितना एमबी जंक फाइल है उसको क्लीन कर सकता है, और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक टैप में दे देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कितना एमबी जंक है जो बता रहा है। और वॉलपेपर और यूआई के लिए एक और जगह है जहां पर आप जा सकते हैं, बस आपको सेटिंग्स में जाना है, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में जाना है, यहां से आप अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। वैसे इसमें आपको वॉलपेपर में कमाल का चीज क्या मिलता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको काइनेटिक वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, यानी कि सारा का सारा वॉलपेपर जो है बहुत ही एनिमेटेड आपको दिखेगा। और जैसे जैसे स्टेप आप चलेंगे, ये स्पीडोमीटर है इसमें इनबिल्ट जो कैलकुलेट करेगा कि कितना स्टेप आपने चला, और जितना स्टेप चलेंगे उतना इस ब्लॉसम को ये फुलफिल करेगा, और आपको देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ आता है, रोटेट करता है, मूवमेंट देता है, ताकि एनकरेज करे कि आप ज्यादा ज्यादा स्टेप चले और एनवायरमेंट को आपको फायदा हो। काइनेटिक के साथ साथ आपको स्टैटिक और लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। अब इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, क्योंकि इसको आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, बस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको यहां से इनेबल कर देना है। ऑलवेज ऑन स्टाइल क्या होगा यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सबसे कमाल का है वो तो यही है पोर्ट होल मिरर का, जिसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा, इसको आप फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे कमाल का होता है वो यही होता है, बस आपको अप्लाई कर देना है। और आपको इससे मन भर जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पर्सनलाइज भी मिल सकता है, यानी कि इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको डेट टाइम मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और बहुत सारा है जिसको अगेन आप कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरह से। बैक जाएंगे तो अगेन आपको क्लॉक मिल जाता है, एनालॉग मिल जाता है, डिजिटल मिल जाता है, सिग्नेचर मिल जाता है, एओडी टूल्स मिल जाता है, तो इस तरह से आप एओडी को कस्टमाइज कर सकते हैं। एओडी के बाद अगर आप बैक जाएंगे तो अगेन आपको कलर एंड पैलेट देखने को मिल जाता है, यानी कि कलर क्या होगा, सिस्टम एंड यूआई कलर अगर आपको चाहिए तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना सारा आपको पैलेट कलर का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, कस्टमाइजेशन मिल जाता है। पैलेट कलर क्या है दोस्तों, तो अगर आप ये ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी
पैलेट कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह ग्रीन हो गया, पर्पल करते हैं तो देखिए इस तरह का पर्पल हो जाएगा। यहाँ पर आप सारा का सारा प्रीव्यू देख सकते हैं। वॉलपेपर से कलर को उठाना चाहते हैं तो देखिए आपको इतना सारा कलर ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आप उठाना चाहें उठा सकते हैं। और सारे के सारे आइकॉन्स को बिल्कुल एक तरह का करना चाहते हैं, एक कलर का करना चाहते हैं तो अप्लाई कलर टू आइकॉन भी कर सकते हैं। तो अगर आपने ये पर्पल चुना है, ग्रीन चुना है, ब्लू चुना है तो सारा का सारा जो है उस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल सेम कलर में आपका मोबाइल बहुत ही यूनिक दिखेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी मोबाइल बहुत कमाल का मोबाइल होता है अगर उसमें आपको ऐप लॉक मिल जाता है, ऐप हाइड मिल जाता है और डुअल ऐप जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें भी आपको वो देखने को मिल जाता है, बस आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको ऐप्स देखने को मिल जाता है और इसमें आपको डुअल ऐप देखने को मिल जाता है जिसको ऐप क्लोन के नाम से जाना जाता है। इसमें बस आपको इसके अंदर जाना है और जो भी ऐप को आप ऐप क्लोन करना चाहते हैं या डुअल ऐप बनाना चाहते हैं, नॉर्मली ये सोशल मीडिया ऐप ही होता है दोस्तों, जैसे एग्जांपल के लिए फेसबुक ले लेते हैं, बस फेसबुक को यहां से इनेबल कर देना है, ये क्लोनिंग ऐप शुरू कर देता है और जैसे ही ये खत्म कर देगा ये बताएगा कि डुअल ऐप जो है वो क्रिएट हो चुका है। कहां हो चुका है? तो होम स्क्रीन पे हो चुका है। फेसबुक में आपको जाना है तो ऑब्वियसली ऐप ड्रॉ में जाएंगे और एफ में सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ये फेसबुक है और ये फेसबुक का डुअल ऐप है जो सेकंड फेसबुक आपको देखने को मिल जाता है। अब आप एक ही मोबाइल में दो दो फेसबुक एंजॉय कर सकते हैं, इसमें दूसरा अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं और इसमें दूसरा अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं और सिर्फ फेसबुक ही क्यों, जितना भी ऐप था उन सारे को आप एंजॉय कर सकते हैं, दो दो ऐप को एंजॉय कर सकते हैं, दोनों डिफरेंट अकाउंट से एंजॉय कर सकते हैं। तो डुअल ऐप यानी ऐप क्लोन के अपार सफलता के बाद आपको ले चलते हैं सेटिंग्स में, बैक जाते हैं, फिर से बैक जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी का और इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप इंक्रिप्शन और ऐप हाइड का भी। तो इसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपको प्राइवेसी पासवर्ड बनाना है, फटाक से बना लीजिए जो भी आपको देना है, इसको टर्न ऑन कर दीजिए ताकि आपका फेस और फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर टर्न ऑन हो जाए। तो चलिए सबसे पहले तो ये आपसे पिन मांगेगा, पिन दे दीजिए ताकि ये आपको वेरीफाई कर सके और आप देख सकते हैं कि फेस और फिंगरप्रिंट जो है इनेबल हो चुका है। इसमें सबसे पहले आपको ऐप लॉक यानी कि ऐप इंक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिसको आप ऐप लॉक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो चलिए फेसबुक को ही कर लेते हैं क्योंकि आज फेसबुक पे ही गाज गिर रहा है, तो फेसबुक यहाँ पर है, बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए। काम कैसे करेगा, तो ऑब्वियसली आपको अपने ऐप ड्रॉअर में जाना होगा, फेसबुक को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से खोजना होगा और देखिए ये बोलेगा या तो आप फेस अनलॉक दीजिए या फिर आप पासवर्ड दीजिए या फिंगरप्रिंट दीजिए। तो चलिए फिंगरप्रिंट देते हैं, फेस से भी हो जाता है, बस यहाँ से देखिए फेसबुक जो है फटाक से ऑन हो जाता है। तो ऐप लॉक के अपार सफलता के बाद अगेन हम लोग जाएंगे अपने प्राइवेसी इंक्रिप्शन में और यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप हाइड का, किस ऐप को हाइड करें। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, फेसबुक को ही हाइड कर देते हैं, उसको लॉक तो कर ही चुके थे, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है, कंफर्म कर देना है। और जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको हिडन ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वाइप अप करेंगे दो फिंगर से अपने होम स्क्रीन पे तो हिडन ऐप को देख सकते हैं। और हिडन ऐप को कब देखना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिडन ऐप आप कब देखना चाहते हैं, जब आप स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं तब देखना चाहते हैं, तो देखिए स्क्रीन को भी आप लॉक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने ऐप लॉक कर दिया था फेसबुक को, हमने हाइड ही कर दिया, तो देखते हैं फेसबुक दिखता है कि नहीं दिखता है। तो आपको एफ में जाना है और आप देख सकते हैं कि फेसबुक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कहीं भी गायब हो चुका है। कहीं भी क्या गायब हुआ है दोस्तों, आप जानते हैं कैसे देखना है, होम स्क्रीन पे दो उंगली से आपको ऐसे करना है और आप देख सकते हैं ये आपसे पूछेगा या तो फेस या तो फिंगरप्रिंट, आप फटाक से दे दीजिए और देखिए आपका हिडन ऐप दिख जाता है। फेसबुक दिखेगा तो ऑब्वियसली उसका डुअल यानी कि क्लोन ऐप भी दिखेगा। यहाँ से आप फेसबुक ओपन कर सकते हैं इस तरह से, अगेन लॉक है तो ऑब्वियसली आपसे पासवर्ड मांगेगा तभी ओपन होगा। और दोस्तों सिक्योरिटी में एक बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, अगेन सिक्योरिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको ऐप पिनिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। ऑब्वियसली ऐप पिन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, और आस्क फॉर पिन बिफोर पिनिंग को भी आपको इनेबल कर देना है। आप अपना मोबाइल देते हैं अपने दोस्त को कि वो फोटो देखेगा, उसको कुछ फोटो दिखाना है, तो आप अपना फोटो को ऐप को ओपन कर देते हैं, जैसे ये वाला एल्बम ऐप है इसको ओपन करके आप उसको दे देते हैं कि वो फोटो देखेगा, मगर वो निकलता है शाना वो फोटो नहीं देखता है, वो कुछ भी करने लगता है, जैसे आपका कोई बैंकिंग ऐप में चला जाता है, आपका मैसेज में चला जाता है और आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है। अगर उसको एल्बम देखना है तो सिर्फ एल्बम में उसको रहना चाहिए, बिल्कुल ये पॉसिबल है। आपको थ्री लाइंस के मेनू में जाना है, यहाँ पर एल्बम के एरो के ऑप्शन में जाना और देख सकते हैं पिन का ऑप्शन है, बस पिन कर देना और जैसे ही आप पिन कर देंगे तो ये बोलेगा ऐप पिन हो चुका है। फायदा क्या है, तो वो बैक जाने की कोशिश करेगा, देखेगा कह रहे कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो मैसेज में जा रहा था अभी नहीं जा पा रहा है, फिर सोचेगा चलो होम स्क्रीन से चले जाते हैं, तो होम स्क्रीन पे भी करेगा तो देखेगा चलो कुछ नहीं हो रहा है, इसके बाद रिसेंट्स में जाकर चेक करना जाएगा वहां भी नहीं हो रहा है। तो ये बताता है आपको, मल्टीपल टाइम आप इसे करते हैं तो बताता है कि आप अनपिन कैसे कर सकते हैं, सोचेगा चलो अनपिन ही कर लेते हैं। तो ये रिसेंट्स और बैक को बस आपको एक साथ टैप करके रखना है, देखिए मोबाइल तो अनपिन हो जाता है मगर ये मांगता है पासवर्ड जो सिर्फ आपके पास है, तो वो थक हार कर फोन आप ही को दे देगा कि भैया ये लो आपका फोन क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कहां से ये सब आपको जानकारी मिल रहा है, तो उसको जरूर बताइएगा कि आप मैच कर टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, वो आपको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं। अब देखिए आप जहां चाहे चाहे वहां जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगर आप अपने नोटिफिकेशन में आएंगे, क्विक टॉगल में आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है इस कैप्चर का, जो कि बहुत बढ़िया यहां काम करता है। स्क्रीन रिकॉर्ड करना हो, लॉन्ग स्क्रीनशॉट
लेना हो, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट लेना हो या एनिमेशन को रिकॉर्ड करना हो, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फनी स्क्रीनशॉट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए पहले रिकॉर्ड एनिमेशन देखते हैं ये क्या करता है। तो बस आपको यहाँ से गॉट इट कर देना है, और किसको आपको रिकॉर्ड करना है तो पहले यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर देना है। छोटा बड़ा करना चाहे तो ऑब्वियसली छोटा बड़ा भी इस तरह से कर सकते हैं। और आप देखिए इतना बढ़िया ये एनिमेशन रिकॉर्ड करेगा, कैसे करेगा, तो यहाँ से बस आपको प्ले कर देना है। और आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, और जैसे ही शुरू हो जाएगा रिकॉर्डिंग तो यहाँ से आपको स्टॉप कर देना है। अगर 5 सेकंड का आपको करना है तो यहाँ से आप टाइप कीजिएगा तो एल्बम में आपको देखिए ये एनिमेशन रिकॉर्ड हुआ है वो बिल्कुल प्ले करके दिखा देगा कि कैसा है। शेयर करना है शेयर कीजिए। और दोस्तों मेरे को बार-बार के मैसेज आता है कि जब भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाया करें तो जरूर एंटूटू का और गीकबेंच का स्कोर दिखा दिया करें। तो चलिए यहाँ पर आपको एंटूटू गीकबेंच का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसको भी दिखा देते हैं। तो गीकबेंच में सिंगल कोर में आप देख सकते हैं 1204 का स्कोर निकल के आता है, मल्टी कोर में 2695 का स्कोर निकल जाता है। और अगर ओपन जीएल यानी जीपीयू की स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3461 स्कोर निकल के आता है। और अगर एंटूटू स्कोर की बात करें तो मेरे में 7,25,000 का एंटूटू स्कोर आया। आपके मोबाइल में कितना एंटूटू स्कोर आया दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि सबको पता चल सके कि कितना इसका वैरी कर रहा है एंटूटू स्कोर। और अब चलिए देखते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसका कैसा काम करता है। तो अगर आपको इस कैप्चर में जाना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर लॉन्ग टैप करके रखना है ताकि आप इसके इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर सके। यहाँ से आपको अग्री कर लेना है, और कौन से साउंड को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं, वरना केवल सिस्टम ऑडियो कर सकते हैं या फिर आप अपने माइक्रोफोन का कर सकते हैं, और दोनों चाहे तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों को भी कर सकते हैं। इमेज क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको हाई रखना है ताकि आपको हाई रेजोल्यूशन का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो। और नोटिफिकेशन आप नहीं चाहते हैं रिकॉर्ड हो, क्योंकि वो आपको पर्सनल चीज भी हो सकता है, तो बस यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन ना आए जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, और यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों पता नहीं आपको इन्फॉर्मेशन पता है कि नहीं पता है, वैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो क्लॉक इस पर अगर आप टैप करेंगे सिंगल तो आप डायरेक्टली क्लॉक ऐप में चले जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगेन अगर आप जाते हैं अपने क्विक टॉगल में तो देखते हैं आपको बहुत सारा टॉगल देखने को मिल जाता है जो आपको बहुत काम का हो सकता है। जैसे स्कैन है, आप फटाक से क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। मॉन्स्टर मोड में जाना हो तो यहीं से आप जा सकते हैं। रिकॉर्ड स्क्रीन करना हो तो यहाँ आपको बाहर भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। मल्टी यूजर अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो आप देखिए यहाँ पर मल्टी यूजर का भी एक आइकॉन देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से आप टच कर दिए, देखिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन से यूजर में जाना चाहते हैं। मेन यूजर जो एमटीजी है, गेस्ट यूजर में जाना चाहते हैं तो गेस्ट यूजर सिलेक्ट कर सकते हैं, या एड यूजर कर सकते हैं अगर अपने मोबाइल को पर्सनली हैंड ओवर करते हैं किसी दूसरे दोस्त को या फिर अपने घर के मेंबर को, तो उसको आप ऐड भी कर सकते हैं ताकि आपका डेटा और उनका डेटा बिल्कुल सेपरेट रहे आपके मोबाइल में और किसी भी तरह का क्लैश ना हो और प्राइवेसी आपका बिल्कुल इंटैक्ट रहे। और इसको अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो आप यूजर सेटअप में जा सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारा का सारा सेटअप इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों एक कमाल का चीज आपको दिखाते हैं, आप बिल्कुल हैरत में पड़ जाएंगे कि आपके मोबाइल में ये फीचर था और आपको कभी भी पता नहीं चलता था। आप रिसेंट में जाते हैं देखते हैं कोई भी ऐप नहीं काम कर रहा है, ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं क्लियर आउट कर देते हैं, फिर से आप यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कोई भी ऐप काम नहीं कर रहा है। मगर फिर भी आपके मोबाइल जो है वो काफी गर्म होता है, आपका बैटरी चुसाता है और आपका मोबाइल बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं देता है बैटरी जैसा देना चाहिए। आप सोचते हैं आपका मोबाइल खराब तो नहीं है क्योंकि कोई ऐप नहीं काम कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर बैटरी कहां जा रहा है, कहां आपका मोबाइल गर्म हो रहा है, उसका भी इंतजाम कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं एक ऐप जो है एक्टिव है, जो छुप कर है बैकग्राउंड में है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, और सारा का सारा कांड वही कर रहा है दोस्तों। इसलिए फटाक से आपको वन ऐप टू ऐप में जाना है, और आप देख सकते हैं कौन सा ऐप है जो आपको बैटरी को चूस रहा था, मोबाइल को गर्म कर रहा था, फटाक से इसको आपको स्टॉप कर देना है ताकि आपका बैटरी और आपका मोबाइल जो है बिल्कुल भी सुरक्षित रहे और आपका मोबाइल का बैटरी बैकअप बहुत लंबा जाए और मोबाइल गर्म ना हो ताकि आप अपने मोबाइल को बहुत अच्छे से यूज कर सके। अब दोस्तों आपके इस मोबाइल में बहुत ही कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है, इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन में जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाना है, फटाक से इस हिस्ट्री को इनेबल करके रखना है हमेशा। फायदा क्या है तो समझिए कि व्हाट्सएप पे आपका कोई दोस्त जो है मैसेज करता है कि भाई 1000 रुपया देना, और फिर वो डिलीट कर देता है। तो आप जब भी अपना व्हाट्सएप खोलते हैं तो आप देखते हैं कि अरे उस दोस्त ने मैसेज को डिलीट कर दिया, और क्या मैसेज था तो पता ही नहीं है। या फिर आप कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन देखते हैं और फटाक से यहाँ पर क्लियर और करके क्लियर कर देते हैं, और क्लियर कर देते हैं बाद में आपको लगता है काम का नोटिफिकेशन था, वो देखना जरूरी था, मगर अब तो आप क्लियर कर दिए, देखेंगे कैसे। तो जो भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता है दोस्तों, जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो पहले नोटिफिकेशन में आता है, तो वो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। तो भले ही आपने क्लियर और कर दिया नोटिफिकेशन हिस्ट्री, लेकिन नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आप उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। या फिर आपके दोस्त ने व्हाट्सएप में मैसेज को डिलीट कर दिया है तो वो व्हाट्सएप का मैसेज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 1000 रुपया देना, और ऑब्वियसली आप तो उससे पूछेंगे नहीं कि भाई क्या तुमने मैसेज किया था, क्योंकि आप तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1000 रुपया मांग रहा था, अच्छा ही आपका 1000 रुपया बच गया। और अगर गलती से वो कर दे तो उसको बोल देना फिर से डिलीट कर दो, आपका फिर से 1000 रुपया बच जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके इतने पैसे बचाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ जिनके पास भी ये मोबाइल का मॉडल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जरूर से करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो वही मोटिवेट हम लोग को करता है दोस्तों ऐसे ऐसे मजेदार और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों धमाकेदार हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें स्प्लिट स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है और स्मॉल विंडो यानी कि फ्लोटिंग विंडो भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले स्प्लिट स्क्रीन आप कैसे करेंगे, तो किसी भी स्क्रीन पर नीचे से 3 उंगली से ऐसे करेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन में चले जाएंगे। तरीका और भी स्प्लिट स्क्रीन में
जाने का वो सारा हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप हमारे यूजर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए हम सारा सारा इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल खोद खोद के लाते हैं, ताकि आप अपने इस मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएं, और ये गारंटीडली हम लोग बोलते हैं आपको। तो स्प्लिट स्क्रीन में किसी भी स्क्रीन को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको उस ऐप को खोल लेना है, आपको तीन फिंगर लेना है और ऐसे कर देना, और देखिए स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आधा स्प्लिट स्क्रीन में हो जाता है, और आधे में कोई भी आपको ऐप दे देना है, जैसे प्ले स्टोर दे दीजिए, देखिए आधे में आपका एल्बम आ जाता है, आधे में प्ले स्टोर आ जाता है। और ऑब्वियसली आप गौर कर रहे होंगे बीचों बीच आपको इस तरह का डिवाइडर देखने को मिल जाता है, जिसको पकड़ के आप किसी भी स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि पीछे जो इसका ऐप लोगो आ जाता है, बैकग्राउंड कितना बढ़िया से ये ब्लर कर देता है। और इतना ही नहीं, इस डिवाइडर को जैसे ही आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, यानी नीचे वाला स्क्रीन ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला स्क्रीन नीचे चला जाएगा, देखिए इस तरह से। और आपको लगता है कि किसी और ऐप को आपको लाना है तो यहां से आप ऐप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए इसको आप सिलेक्ट कर लेना, और देखिए नीचे में कितना सारा ऐप आ जाता है, कोई भी आप कर सकते हैं, मैसेज करना चाहे मैसेज कर सकते हैं, मैप करना चाहे मैप कर सकते हैं, या फिर क्रोम करना चाहे क्रोम कर सकते हैं, यानी किसी भी आप ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं स्प्लिट स्क्रीन में जाने का। तो आपको ये थ्री लाइंस के मेनू में जाना है, यहाँ पर अगेन आप आइकॉन देखते हैं, इसके एरो में जाना है, और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगेन ये आधा स्प्लिट स्क्रीन हो गया, आधा कोई भी लाना चाहे ला सकते हैं। चलिए प्ले स्टोर को करते हैं, देखिए प्ले स्टोर आ जाता है। और तीसरा तरीका स्प्लिट स्क्रीन में जाने के पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इसमें स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिल जाता है, जिसको बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना। और देखिए इस तरह का आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाता है, जिसमें बहुत सारा ऐप है, जिसको अगर आप ओपन करेंगे तो वो मेन्यू विंडो में यानी फ्लोटिंग विंडो में खोलेगा। और स्मार्ट साइड बार से अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करना है किसी भी ऐप को, तो आपको बस स्मार्ट साइड बार को ओपन कर लेना है, किसी भी ऐप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर की ओर लाना, और देखिए ऑप्शन बन जाता है, यहाँ पर प्ले स्टोर नीचे आ जाता है और गूगल क्रोम जो है ऊपर आ जाता है, और अगेन फीचर्स बिल्कुल सेम है। तो अब बारी आता है कि आप किसी को फ्लोटिंग विंडो में कैसे ओपन करेंगे। अगेन कुछ नहीं करना है, किसी भी ऐप को बस यहाँ से ओपन कर देना, और देखिए फ्लोटिंग विंडो में ही ओपन होगा। अगर फ्लोटिंग विंडो को कहीं भी ले जाना है तो देखिए इस तरह से आप इसका कान पकड़ के कहीं भी मूव कर सकते हैं स्क्रीन पे। छोटा बड़ा करना हो तो बस किसी भी एज को ऐसे पकड़ लीजिए, और देखिए यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए ये मिनी विंडो हो जाता है, और यहाँ से ये स्मॉल विंडो हो जाता है। अब मिनी विंडो को आपको काम नहीं है तो यहाँ से पकड़ के आप इसको यहाँ पर पार्क कर सकते हैं सेंटिंग में। आप देख सकते हैं छोटा साइकॉन बन जाएगा, बैकग्राउंड में आपको जो मन है वो करते रहिए, यहाँ पे बैठा रहेगा, और आपको लगता है इसका जरूरत है तो बस इसको पकड़ के कहीं भी टैप कर दीजिए, देखिए वापस से ही मिनी विंडो में यानी कि फ्लोटिंग विंडो में आ जाएगा। फुल स्क्रीन करना है तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है फुल स्क्रीन करने का, बस यहाँ टच कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। अगेन मिनी विंडो में कन्वर्ट करना है, दूसरा तरीका बताते हैं, थ्री लाइंस में जाइए, अगेन इस आइकॉन के एरो में जाइए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल विंडो यानी कि मिनी विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, और देखिए मिनी विंडो में आ जाता है। यहाँ से क्लोज करना हो, मिनिमाइज करना हो तो यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अब अगेन सेटिंग के शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं, ताकि आप बहुत सारे ऑप्शन को देख सकें। इस कैप्चर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्मार्ट मोशन में आपको जाना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि हाथ में जैसे ही आप अपने मोबाइल को उठाए तो आपका स्क्रीन जो है वेकअप हो जाए, बस यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। डबल टैप करें स्क्रीन को वेकअप करने के लिए तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, और स्क्रीन आपका कभी भी लॉक ना हो, जब भी आप अपनी स्क्रीन को देख रहे हो तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए, ताकि आपका बैटरी हमेशा बचता रहे। और डबल टैप किए वेकअप करने के लिए तो डबल टैप टर्न ऑफ करने के लिए भी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। इसी में अगर बैक जाएंगे तो स्मार्ट कॉलिंग का आपको स्मार्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप कॉल डिटेल में किसी भी कॉलर का इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, बस जैसे ही कान के पास अपने मोबाइल को ले जाएंगे उस कॉलर को ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा, अगर आप स्मार्ट कॉल को इनेबल करके रखेंगे तो। और अगेन आपको कॉल आ रहा होगा मोबाइल को, जैसे ही आप कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा स्मार्ट आंसर को इनेबल करके। और अगर आप अपने हैंड्स फ्री को यूज कर रहे हैं, अगर स्मार्ट स्विच को ऑन कर देंगे तो कान के पास जैसे ही आप अपने मोबाइल को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्विच कर जाएगा हेडसेट पे। और कहीं आप मीटिंग में है, अचानक आपको कॉल आ जाता है, एम्बैरेसमेंट होता है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपका रिंग कर रहा हो तो बस हाथ को ऐसे अपने मोबाइल पर रख दीजिए, पूरा कवर कर दीजिए, इसको इनेबल कर दीजिए, तो मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है म्यूट मोड में यानी कि साइलेंट मोड में चला जाएगा। और इतना करने में भी दिक्कत होता हो तो फोन को बस पलट कर रख दीजिए, अगर कॉल आएगा तो वो ऑटोमेटिकली म्यूट कर देगा इनकमिंग कॉल को। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप मोबाइल को शेक करेंगे तो फ्लैशलाइट को इनेबल कर देगा, बस यहां से इसको इनेबल कर देना है। वापस से बैक जाएंगे और आप देखेंगे कि क्विक एक्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल क्यों रखना चाहिए, ताकि जब भी आपका स्क्रीन जो हो लॉक्ड हो यानी कि ऑफ हो, तो वॉल्यूम डाउन बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो इनमें से किसी को भी इनेबल कर सकते हैं। नॉर्मली मैं फ्लैशलाइट को इनेबल करता हूं, या नहीं तो आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं, बस यहां से आपको ऐप को सिलेक्ट कर लेना है और वो ऐप जो है वॉल्यूम डाउन बटन के लॉन्ग प्रेस करने पे ओपन हो जाएगा। और कैमरा के लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल है, अगर आपका स्क्रीन ऑफ है तो कैमरा को आप इनेबल कर सकते हैं, बस वॉल्यूम डाउन बटन को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करके, बस यहाँ आपको जाना है और यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। देखिए काम करता है कि नहीं करता है, तो वॉल्यूम डाउन बटन को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे, मगर ऑब्वियसली अभी नहीं करना है दोस्तों, जब आपका स्क्रीन लॉक होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं, वॉल्यूम डाउन बटन को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे और देखते हैं कैमरा इनेबल होता है कि नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कैमरा इनेबल हो जाता है। वापस से बैक जाएंगे शॉर्टकट में तो आप देखेंगे आपको पावर बटन भी मिल जाता है। तो आपको लगता है कि आपको मोबाइल को ऑफ करना है, तो ऑब्वियसली आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, मगर देखते हैं ये क्या हो गया, ये तो बड़ा अजीब सा कुछ कुछ हो गया जो आप नहीं चाह रहे थे, आप तो पावर ऑफ रीस्टार्ट ये सब मेनू चाह रहे थे। तो उसको कस्टमाइज करने के लिए आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या है, तो ये असिस्टेंट की जगह आप यहाँ पर इनेबल पावर इमरजेंसी मेनू कर दीजिए। फायदा क्या होगा, तो अब जैसे ही आप पावर मेनू को लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आ जाता है पावर ऑफ रीस्टार्ट लॉक नाउ इमरजेंसी, जो कि आप चाहते थे। अगेन
बैक जाएंगे तो आप देखेंगे इजी टच का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो करता क्या है, तो पहले इनेबल कर लीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। तो यहाँ पर एक बॉल जैसा चीज आता है जिसको अगर आप ऐसे जाके छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ जाके चिपक भी जाता है, लाना चाहे तो वापस ऐसे ला सकते हैं। करता क्या है, तो जैसे ही आप इसको टैप करते हैं तो एक मेन्यू खुल जाता है जिसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे स्क्रीन शॉट लेने का, कैलकुलेटर का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, फ्लैश लाइट का, ब्ला 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 ब्ला। और यहाँ से आप ऐप भी खोल सकते हैं, अगेन मिनी विंडो में ये खुलेगा जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इस तरह से। इसको कस्टमाइज कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन मेनू है कस्टमाइज करने का, आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टैप के बाद आप देख सकते हैं डबल टैप का ऑप्शन है जिसमें कुछ नहीं किया हुआ है। चलिए डबल टैप पे काम करते हैं कि स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसको डबल टैप करते हैं, देखते हैं स्क्रीन शॉट लेता है कि नहीं लेता है। देखिए स्क्रीन शॉट ले लेता है। इसमें एक फायदा और है, लॉन्ग स्क्रीन शॉट का भी ऑप्शन ले सकते हैं, यानी लॉन्ग स्क्रीन शॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन को ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा बिल्कुल एंड तक और पूरा का पूरा पेज का लॉन्ग स्क्रीन शॉट ले लेगा। बस आपको यहाँ से सेव कर देना और ये आपके गैलरी में सेव हो जाता है। देखिए कितना बड़ा स्क्रीन शॉट सेव हुआ है आपके गैलरी में। फिर आपको लगता है कि डबल टैप के बाद टैप टू होल्ड है, कहाँ है, तो होम स्क्रीन पे जाने के लिए। तो चलिए टैप एंड होल्ड करके रखते हैं और छोड़ते हैं, थोड़ा देर बाद देखते हैं होम स्क्रीन पे जाता है कि नहीं जाता है। देखिए होम स्क्रीन पे आ जाता है। इस तरह से आप अपने इजी टच को यानी कि इस क्यूबॉल मेनू को सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। वापस से बैक जाएंगे शॉर्टकट में तो आप देखेंगे वन हैंडेड मोड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। कैसे करना है, तो बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। स्क्रीन आपका कितना बड़ा है दोस्तों, 6.67 इंच का स्क्रीन है। अंगूठा कहाँ ऊपर तक जाएगा, देखिए आप इसको तो एक्सेस कर ही नहीं सकते अगर आप एक हाथ से कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, 100 मोड में अपने मोबाइल को ले आना है। फिर देखिए एक अंगूठे से एक हाथ से कैसे आप कितना बढ़िया से एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो 100 मोड लाने के लिए आपको बस ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे कर देना है और आप देख सकते हैं 100 मोड में ये आ जाता है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं स्क्रीन जब इतना छोटा हो जाता है तो अंगूठा आप यहाँ पे भी ले जा सकते हैं और देखिए इस तरह से ये मूव कर सकता है। 100 मोड में है तो आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल बिल्कुल सारा आपका अच्छा से काम करेगा। बस आपको एक हाथ से एक अंगूठे से कितना आसानी से काम कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा बड़ा करना है या छोटा करना है, तो यहाँ पर देखिए आइकॉन है, इस पर आप टच कर दिए और देखिए यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं काम हो गया आपका, तो यहाँ पे क्लोज बटन है, यहाँ से क्लोज कर दिए, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। 100 मोड के बाद आप देख सकते हैं कि फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल है, यानी कि कोई भी वीडियो कॉल आप करते हैं, कोई भी वीडियो कॉल ऐप आप में इंस्टॉल्ड हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फोन हो, चाहे जूम हो, बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है तो आपका फेस जो है वो बिल्कुल ब्यूटी फिल्टर अप्लाई कर देगा ताकि आपका फेस जो है और ज्यादा ग्लो करे और वीडियो कॉल में आप काफी प्रेजेंटेबल दिखे। अब आईफोन में एक फीचर आप देखते हैं कि इनकमिंग कॉल आता है और पीछे का जो फ्लैश लाइट है वो भुक-भुक करने लगता है, ब्लिंक करने लगता है, जो बहुत ही कूल लगता है, क्लासी लगता है। तो क्या आप अपने इस मोबाइल में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फ्लैश नोटिफिकेशन में आपको जाना है, इनकमिंग कॉल में बस यहाँ से इनेबल कर देना है। अब या तो कोई नोटिफिकेशन आएगा या इनकमिंग कॉल आएगा, आपका पीछे का जो फ्लैश लाइट है वैसे भुक-भुक करेगा, ब्लिंक करेगा और बताएगा कि आपका कोई कॉल आया है, नोटिफिकेशन आया है, देखना है तो देख लीजिए। और दोस्त आपके आश्चर्य करेंगे कि क्या क्लासी फोन लेकर आपको घूम रहे हैं, उसके फोन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है दोस्तों क्योंकि वो इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स को नहीं जानते हैं। तो जरूर उनको बताइए कि मैच के टेक गुरु के आप वीडियोस को देखते हैं ताकि आप इतने सारे इन्फॉर्मेशन को जान के अपने मोबाइल के प्रो यूजर बन जाते हैं। उनको भी अगर प्रो यूजर बनना है तो फटाफट से वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिए उनके साथ और उनको ही बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देने के लिए। अब जब आईफोन का बात हो रहा है तो आप देखते हैं कि आईफोन में इस तरह का बटन तो नहीं होता है दोस्तों, अब तो होम बटन भी नहीं होता है, केवल जेस्चर होता है। तो जेस्चर मोड में अगर आपको जाना हो अपने मोबाइल को ले जाना तो कैसे ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, यहाँ सिस्टम का ऑप्शन मिलता है इसमें जाना है, सिस्टम नेविगेशन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन बटन आपने सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पर तीन बटन आ रहा है। इस बटन को भी अगर आप स्वैप करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेफ्ट बटन में देखिए बैक चला जाता है, राइट में रिसेंस आ जाता है। जेस्चर मोड में जाना है तो कुछ नहीं करना है, बस जेस्चर को यहाँ से इनेबल कर लेना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार आ जाता है और जेस्चर मोड में आप चले जाते हैं, सारा बटन गायब हो जाता है। फिर आपको लगता है कि जेस्चर मोड में कैसे होम स्क्रीन पर जाएंगे, तो ये वही बताने के लिए तो हमें यहाँ पे दोस्तों बस नीचे से ऊपर ऐसे कर दीजिए और देखिए आप अपने होम स्क्रीन पर आते हैं। फिर आपको लगता है कि रिसेंस आप देखना है कैसे देखेंगे, तो नीचे से ऊपर स्क्रॉल करके लाइए, बीचों बीच रुके रहिए और देखिए आप रिसेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं और ना सिर्फ देख सकते हैं, उड़ाना हो तो देखिए इस तरह से आप उड़ा भी सकते हैं। फिर आपको लगता है कि एक ऐप से दूसरे ऐप में अगर बैकग्राउंड में जाना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए ये बार बस ऐसे कीजिए, देखिए आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से चले जाते हैं, राइट चाहे तो राइट कीजिए, लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट कीजिए और इस तरह से आप आ जा सकते हैं। अब आपको लगता है कि बैक जाना है तो कैसे जाएंगे, तो बैक जाना तो कुछ नहीं, किसी भी स्क्रीन से बस ऐसे अंदर की ओर कीजिए, देखिए आप बैक चले जाते हैं, राइट की जगह लेफ्ट के अंदर से भी आप कीजिएगा, देखिए पहले बैक बटन बनेगा और देखिए आप बैक चले जाते हैं। फिर आपको तलब लगता है कि नहीं ये जो बॉटम बार है ये भी नहीं होना चाहिए, आईफोन में तो ये भी नहीं होता है, तो देखिए हाइड बॉटम बार को इनेबल कर दिए, देखिए ये भी गायब हो जाएगा, मगर काम वही करेगा, नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इन फीचर की तरफ, हम लोग वापस से सेटिंग्स में जाएंगे, बैक जाएंगे और यहाँ पर आप सिस्टम में ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है मल्टीपल यूजर का, जो कि मैंने आपको बताया था। अगेन बैक जाएंगे तो आपको फोन क्लोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अपने फोन को बहुत आसानी से इजी शेयर की मदद से क्लोन कर सकते हैं, यानी आपने नया फोन लिया है, आप चाहते हैं इसका सारा डेटा उसमें चला जाए, तो बस यहाँ से आपको अग्री कर लेना है और फिर आपसे पूछता है कि ये जो डिवाइस है ओल्ड फोन है या न्यू फोन है। अगर ये न्यू फोन है तो आप अपने ओल्ड डिवाइस से डेटा को यहाँ ला सकते हैं और अगर ये ओल्ड फोन है तो आप अपने इस डिवाइस से डेटा को अपने न्यू फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस फोन के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स, आपको कैसा लगा फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ पुण्य का काम है करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, अपने
दोस्तों को भी बोलिए ताकि हम लोग मैच कर टेक गुरु फैमिली को 1 लाख की फैमिली बना सके जितना जल्दी हो सके। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप जानते हैं इसका कैमरा का वीडियो भी आने वाला है, इसका गेमिंग का रिव्यू आने वाला है, इसका ऐसा सेटिंग जिसको आपको ऑन या ऑफ करना है ताकि इसके बैटरी को आप बिल्कुल बैटरा बना सके और 2 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिल सके। तो इन सब वीडियो को देखने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा की तरह दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।